हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूशन पॉइंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मोशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं। फिर हमने स्टडी की थी रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, और कुछ हमने ऐसे यूनिट्स देखे थे कि फोर्स की एसिड क्या है, प्रेशर की क्या है, मास की क्या है, टाइम की क्या है। बट टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ सिंपल टॉपिक कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। अगर ये समझ गए तो पूरी फिजिक्स समझ गए, क्योंकि अगर इसमें डाउट आ गया तो मान के चलो पूरी फिजिक्स में डाउट रहेगा कहीं ना कहीं जाके। तो आज हम यही डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ वैल्यू दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, वो क्वांटिटीज जिसकी सिर्फ हमें वैल्यू पता होती है, वो किस साइड जा रही है, क्यों जा रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर फिजिक्स की टर्म्स में देखें तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन कि किधर जा रही, क्यों जा रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है उसकी वैल्यू क्या है। तो मैग्नीट्यूड मीन वैल्यू। एग्जांपल अगर हम लें तो मास की, अगर किसी चीज का कुछ मास है, हम बोलेंगे मास कितना है, वो बोलेगा 2.5 किलो, 500 kg, 200 ग्राम। तो इसमें कोई पता नहीं कि मास नीचे है, मास ऊपर है, इधर है, उधर है, पर्सन लेटा हुआ है, पर्सन खड़ा है, पर्सन चल रहा है, उसके मास में कोई फर्क नहीं आने वाला। सो सिंपली इट इज अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम इज ऑल्सो स्केलर, डिस्टेंस, वॉल्यूम, स्पीड, दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान दीजिए, अगर याद रखना है तो स्पीड और ये डिस्टेंस, इन दोनों की तरफ हम स्पेशली ध्यान देंगे, क्यों अभी पता चलेगा। नेक्स्ट क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसमें था सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू एंड डायरेक्शन भी है इसके पास। क्या है इसके पास, बोथ इट हैज मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने कहा था स्पीड, तो स्पीड का ऑपोजिट आ जाता है वेलोसिटी, और डिस्टेंस का ऑपोजिट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड वो चीज, अगर हम बोले कि कोई गाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, या सिंपली कहें ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कार जा रही है तो जा रही है, लेकिन किस तरफ जा रही है, अगर हमने इसकी बात नहीं की, देन इट विल बी कॉल्ड स्पीड, जो कि आ जाएगी स्केलर में, एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड। सिंपली याद रख सकते हैं कि स्पीड स्केलर क्यों है, क्योंकि हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यही बात मैं बोलूं कि एक कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो जा रही है नॉर्थ की तरफ, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन पता लग गई, दिस इज द डायरेक्शन, देन दैट विल बिकम एग्जैक्टली द वेक्टर क्वांटिटी, वी फॉर वेक्टर एंड वी फॉर वेलोसिटी। सिंपल टर्म्स में अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर मैं बोलूं कि मैंने 50 किलोमीटर कवर किया, किया तो किया, इट मीन्स इट्स जस्ट ए मैग्नीट्यूड और वैल्यू, सो आई कॉल इट ए स्केलर क्वांटिटी विच इज अ डिस्टेंस। बट इफ आई कॉल इट कि मैंने 50 किलोमीटर कवर किया नॉर्थ की तरफ जाकर, देन वी हैव अ डायरेक्शन ऑल्सो 50 किलोमीटर, वैल्यू ऑल्सो, देन दैट विल बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी एंड आई विल कॉल इट ए डिस्प्लेसमेंट। फिर भी ये दोनों चीजें और चारों चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं जल्दी आपको अपलोड करके बताऊंगा। सिंपली अगर हम बात करें उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट कैसे करते हैं, तो सिंपली वेक्टर क्वांटिटीज आर डिनोटेड बाय एरो हेड। एरो हेड का मतलब जो भी सिंबल होगा, जो भी चीज होगा, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, इस तरह का एरो हमेशा ऐसे ही लगा रहा है, हम ऐसे 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 एरो नहीं लगा पाएंगे, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एरो। उस सिंबल जो भी होगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, अगर हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सिंबल लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिनोट करेंगे डी से, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा। फिर आ जाती है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को एस की टर्म्स में डिनोट करेंगे, स्पीड के ऊपर अगर एरो लगाएंगे, तो दैट विल आल्सो वेक्टर, वरना इसकी जगह कोई वी भी देख सकते हैं, वी फॉर वेलोसिटी और एरो लगा दिया, देन दैट विल बिकम आवर वेक्टर क्वांटिटी। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस YouTube चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।